चरम पर ले जाने के काम करेंगे। जब तक झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। तमाम विधायक सांसद के आवास में घेरा डालो अभी जारी रहेगा। आगे हम लोग आंदोलन को और उग्र करने की तैयारी हम लोग का है। आज हम लोगों की महिला पारा शिक्षिकाएँ आज वीरंगनाएं हम लोग का हमारे बीच में आ गई है। हम लोग अब रणनीति बना रहे हैं झारखंड सरकार को घेरने। कितने शिक्षक शिक्षिकाएं छूट के आई आज? तमाम महिला पारा शिक्षिकाएं 33 जो छूट के जेल से निकली और हम लोगों के बीच में उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। उन वीरंगनाओं का हम लोग गुणगान गा रहे हैं कि आज हम झारखंडी महिलाएं जो घर में चौखट पर रहती थी आज उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए जेल का दरवाजा तक देख लिया। दमनकारी सरकार की दुर्नीति के कारण उन्हें झूठा केस में फंसाया गया। उन्हें मैंने दमनात्मक कार्रवाई की जितना भी निंदा की जाए झारखंड सरकार का वो निंदनीय है। हम लोग आगे और आंदोलन को उग्र करने का प्रयास करें। अश्विनी कुमार सिरा हमारी खुशी बहुत उत्साहित मन से है कि आज हमारी बहनें जो जेल में आज 15 दिनों से मैंने वहां डटी हुई थी मगर आज उन लोगों से मिल के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि वो टूटी नहीं है बल्कि और दुगुना उत्साहित हुई है। मैं इस मंच से ऐलान करती हूं रघुवर सरकार को कि जितना तुम लोगों ने हमारे साथियों को सताया है उससे दुगुना हम उनसे बदला लेंगे। और तुमने यहां पर जो गुंडा साबित किया है आज ये गुंडा जब गुंडा गुंडा बन गया है अपने हक की लड़ाई के लिए। अभी तो कारवा चालू हुई है आगे कारवा बाकी है। जय हिंद जय झारखंड जय भारत हमको एक सेकंड के लिए टाइम दीजिए। जिन लोगों को पकड़ा उन लोगों को कोल्ड वार में डालना चाहिए था आंदोलन को ठंडा करने के लिए लेकिन उन्होंने कहाँ डाला कोल्ड वार में। हमारा आंदोलन गर्म हो गया और भी गर्म हो गया। अश्विनी जी दुकान पर रखेंगे मीडिया बंधु तमाम लोगों को आज झारखंडी त्योहार झारखंड सरकार 15 नवंबर को हमारे पारा शिक्षकों के साथ दमनात्मक कार्रवाई किया और हमारे बहुत सारे पारा शिक्षिका शिक्षकों को जेल की काल कोठरी में बंद किया कि झारखंड में झारखंडियों का मांग नहीं माना जाएगा उसका मैंने कटघरा में खड़ा किया गया। हम लोगों ने और जोरदार आंदोलन किया और आज रघुवर सरकार की मुख में खुला चुनौती देते हुए हम लोगों ने उनके द्वारा बोला गया था कि केस का इतना धारा लगाऊंगा जो पारा शिक्षक बेल कराते कराते बूढ़े हो जाएंगे उनको हम लोगों ने दिखा दिया आंदोलन के बलबूते पर कि 15 दिन के अंदर हमारी पारा शिक्षिकाएं बहने हमारे साथ आज हमारे बीच हैं और रघुवर सरकार को हम लोग अगले बार नहीं आने देंगे। यही आशा विश्वास के साथ यदि मेरी मांग नहीं पूरी होती है हमारी जांच मांग हम झारखंडियों का तो रघुवर सरकार को हम लोग झारखंड से खदेड़ते छत्तीसगढ़ में उसको जगह नहीं मिलेगा कहीं विदेश में पाकिस्तान में उसको जगह मिलेगा। आज दो दिन पहले हम लोग दमन का चक्र चार रघुवर सरकार की लोग जेल में कैद कर देंगे उनको मांग को भूल जाएगा ये घर की महिलाएं जो राखी नहीं देखी थी राखी होडवा जेल में और मजबूत होकर आई है तो रघुवर सरकार को इस बार झारखंड छोड़ना पड़ेगा। ये क्या सोचिए थे कि हम लोग जेल में जान देंगे हमारी आवाज़।
भी ये नहीं है हमारी हमारी आवाज और बुलंद से आवाज निकल रही है। मैडम सुनिए, आप बर्खास्त होने का डर किसी के पास है क्या? जेल जाने का डर किसी के पास है क्या? तो खुला चुनौती है झारखंड सरकार को, कितना बर्खास्त करना कर ले, हम लोग तैयार है। अब हमारी माँ बहनों का जो हमने जेल डाला उसका इंसाफ आपको करना होगा। इंसाफ नहीं करिएगा तो बीजेपी को अब गाँव में घुसने का भी जगह नहीं मिलेगा। ये हक नहीं लेके रहेंगे तब तक अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे तो जारी रखेंगे। तो हम लोग वहाँ से गिरफ्तार हो गए हैं और हम लोग रेड क्रॉस में 48 घंटा भूखे प्यासे रहे। उसके बाद हम लोग को जेल ले गए। उसके बाद हम लोग को वहाँ थोड़ा सा साहस मिला, उसके बाद हिम्मत मिला हम लोग को और बाहर निकल कर हम लोग बोले कि वो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इनकलाब जिंदाबाद। रघुबर तेरी मनमानी नहीं चलेगी। रघुबर तेरी मनमानी नहीं चलेगी। महाराज चौक की बात पूरी करो, नहीं तो कभी छोड़ दो। महाराज चौक की बात पूरी करो, नहीं तो कभी छोड़ दो।